भारत सरकार के निर्देश पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर मनाया जा रहा है, जिसके संबंध में CDO संजय कुमार मीणा ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 ग्राम पंचायतों और 75 अमृत सरोवर बनाने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ था। उन्होंने बताया कि हर लोकसभा क्षेत्र में पहले 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य था, जिसको बढ़ाकर अब हर ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा हर क्षेत्र पंचायत में 3 अमृत सरोवर व जिला पंचायत द्वारा 5 अमृत सरोवर का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर बनाने के क्रम में हर ग्राम पंचायत में 80% अमृत सरोवर का कार्य पूरा कर लिया गया है, जो कि 15 अगस्त से पहले बन जाएगा, जिसके बाद 15 अगस्त पर हर अमृत सरोवर पर झंडा रोहण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए CDO संजय कुमार मीणा ने कहा, देखिए भारत सरकार की ओर से जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत अमृत सरोवर बनवाने के लिए ये एक सभी स्टेट्स में स्कीम चलाई जा रही है। उसी के तहत उत्तर प्रदेश में भी अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं हर जनपद में। जनपद गोरखपुर में 15 अगस्त 2022 तक हर लोकसभा क्षेत्र में पहले 75 अमृत सरोवर बनाने का टारगेट था, उसको बढ़ाकर अब हर ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर बनाने का टारगेट रखा गया है, तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा हर क्षेत्र पंचायत में 3 अमृत सरोवर क्षेत्र पंचायत निधि से और जिला पंचायत द्वारा पूरे जनपद में 5 अमृत सरोवर का निर्माण कराया जाएगा। उसमें हर जनपद हर ग्राम पंचायत में जो एक अमृत सरोवर हम लोगों को बनाना है, उसके तहत हम लोग लगभग 80% अमृत सरोवर आइडेंटिफाई कर चुके हैं और लगभग 60% हमारे कंप्लीशन की ओर है, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15 अगस्त 2023 तक सारे वहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लें और जिस 15 अगस्त के दिन वहाँ पर फ्लैग पोस्ट लगा के वहीं पर झंडारोहण की कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार जो जिला पंचायत के 5 अमृत सरोवर हैं, उसमें से 4 नियर अबाउट कंप्लीट होने वाले हैं और एक जो बचा हुआ अमृत सरोवर है वो भी 15 अगस्त तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। और क्षेत्र पंचायत में प्रति क्षेत्र पंचायत क्योंकि 3 अमृत सरोवर का निर्माण करना है, तो यहाँ जैसे 20 ब्लॉक हैं हमारे, तो टोटल 60 क्षेत्र पंचायत के माध्यम से अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। उसमें से लगभग 45 पर अभी करेंटली काम भी चल रहा है और उम्मीद है कि वो जुलाई एंड तक खत्म हो जाएगा।